आप देख रहे हैं TNB। हजरत निजामुद्दीन से चलकर मानिकपुर जा रही उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में बच्चे के जन्म लेने के कारण उसका नाम भी क्रांति रखा गया है। जच्चा और बच्चा को उतार GRP ने कर शहर के बुराड स्थित जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। डॉक्टर के अनुसार जच्चा और बच्चा पूरी तरह फिलहाल स्वस्थ है। उत्तर प्रदेश के महोबा में रहने वाली ज्योति अपने पति आकाश और जेठानी ममता के साथ UP संपर्क क्रांति से अपने घर जा रही थी। उनकी बर्थ संपर्क क्रांति के स्लीपर कोच S4 में थी। ट्रेन जैसे ही राजस्थान से मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश हुई, ज्योति को प्रसव पीड़ा होने लगी। पति ने तत्काल ट्रेन में मौजूद TT को सूचना दी, लेकिन प्रसव पीड़ा अधिक होने के कारण ट्रेन में बैठी जेठानी और अन्य महिलाओं की मदद से डिलीवरी कराई गई। तो वही सूचना मिलते ही ग्वालियर रेलवे स्टेशन ट्रेन को स्टॉपेज न होने के बाद भी रोका गया। स्टेशन में RPF महिला अधिकारी पहुंच गई। उन्होंने ट्रेन से जच्चा और बच्चा को उतारा। स्टेशन के बाहर बुलाई गई 108 नंबर पर एम्बुलेंस दोनों को मुरार स्थित जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों को भर्ती कर लिया गया। डॉक्टर के अनुसार जच्चा और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जच्चा और बच्चा के स्वस्थ होने पर परिजन काफी ज्यादा खुश भी हैं। तो वहीं ज्योति के पति और परिजनों ने बच्चों का नामकरण ट्रेन में ही कर दिया। ज्योति और आकाश ने कहा कि इस मुश्किल हालात में उनके बच्चे का जन्म हुआ है, उसे संपर्क क्रांति में जिंदगी मिली है, इसलिए उसका नाम भी हमने क्रांति रखा है। अचानक से हुए इस प्रसव के कारण ज्योति और उसके पति आकाश काफी घबरा गए थे, लेकिन RPF पुलिस बल की तत्परता और कोच में मौजूद महिलाओं की मदद के चलते वह उन हालात से बाहर आ सके। दोनों ही बेटी को देख काफी खुश हैं। ज्योति और उसके पति आकाश ने RPF बल और महिलाओं का सहायता के लिए उनका आभार भी जताया। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।